हेलो फ्रेंड्स मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल यूर एग्जाम गोली आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आपके आर पी आर पेंसिलरी से रिलेटेड आप लोगों की क्वेरी फ्रेंड्स आप लोगों ने जो आर लगाए थे उसके जवाब अब आने लगे है वन बाई कर करके जी हाँ दोस्तों आपको बता दें फर्स्ट तो हमने देखा था जितेंद्र कुमार सैनी कैंडिडेट जिसका आया था आर रिप्लाई कल

रीजन जानना है कि किस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ या और भी आपकी जो भी कमेंट हो जो भी आपकी क्वेरी हो तो दोस्तों इसके लिए एक और एक मात्र सोल्यूशन है उसका नाम है आर टी आई जी हाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट टू थाउजेंड फाइव इसके तहत आप अपने डिपार्टमेंट से हर एक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जो आपके मन में है ओके तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और जानते हैं हर एक चीज को लेकिन दोस्तों एक बात बोलना चाहूंगा यदि वीडियो अति पसंद तो प्लीज लाइक कर दें चैनल पर न तो सब्सक्राइब शेयर ओके जरूर करें चलिए बढ़ते हैं आगे तो फ्रेंड्स आप पे देख सकते हैं कैंडिडेट के नाम दिए हैं हालांकि मैं सब नहीं बताने वाला पे बताने वाला हूँ इन्होंने दोस्तों लगाया था कि सर मेरा लगा दी थी इन्होंने आवेदन किया था बाईस तारीख को और बता दें इनका ऑलरेडी दो दिन से आया हुआ है शायद इनको पता ना हो तो मैं इसलिए बताने वाला हूँ चलिए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट हैं बहुत सौ का जिन दिन का फिल्म हो गया है आरटीआई उनका सभी का मैं लिस्ट बनाकर एक वीडियो लाने वाला हूँ आज शाम तक मिल जाए या फिर आपको अभी थोड़ी देर से मिले बट अभी मिलना पॉसिबल नहीं है शाम तक ही मिल सकती है ओके तो चलिए बढ़ते हैं आगे तो डियर फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं जे है यूर आई टी आई रिक्वेस्ट फिलेड सक्सेसफुली एक इसका नाम है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख सकते हैं पुलक मंडल जी का बाईस तारीख को इनका फेल हुआ था आज है क्या दो तारीख और दो दिन पहले इनका आ गया तो मतलब कि इनको आठ छह ही एक हफ्ते के अंदर अंदर इनका आ गया थोड़ा एक दिन एक्स्ट्रा ही लग सकता है बट यह है कि आपका सात से आठ दिन के अंदर अंदर आ जाता है तो ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगता चलिए बताते हैं अब इनका कैसा क्या आया रिप्लाई तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अंग्लिश स्लाइड में जहां पे हम देखने वाले हैं जो पोलक मंडल जी है इनका रिप्लाई आया है आपकी जैसे कि इन्होंने लगाया था आई तो दोस्तों आप यहाँ पे, 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 पे देख सकते हैं टू पुलक मंडल और यहाँ पे विलेज यहाँ पर जी दिया है इनका एड्रेस और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इन्फॉर्मेशन सूटर आर टी एक्ट टू थाउजेंड फाइव यहाँ पर इनका जो वन एप्लीकेशन नंबर जो जनरेट हुआ था एंड इसके साथ साथ यहाँ पे दे देख सकते हैं विद रेफरेंस टू योर रिक्वेस्ट मेड थ्रू आर टी एक्ट टू थाउजेंड फाइव बाई येशन अंडर रेफरेंस द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इज फनिस्ड हेयर अंडर तो दोस्तों इन्होंने टू क्वेश्चन ओनली पूछे थे बस तो इनका टू का जवाब आ गया फर्स्ट क्वेश्चन इनका इनका रहा क्या? इनका रहा क्या? से रिलेटेड कि सर मेरे मार्क्स कितने आए हैं जो कि मैक्सिमम कैंडिडेट का रहता ही रहता है यहाँ पे देख सकते हैं आज पर रिकॉर्ड यू आर आर पी पेंसिल सीबीटी एग्जाम रो मार्क्स यहाँ पर एटीन पॉइंट एंड नॉर्मलाइज मार्क्स वाज ट्वेंटी टू पॉइंट ट्वेंटी थ्री आज पर रिकॉर्ड यू आर टी टी मार्क्स ट्वेंटी तो दोस्तों यहाँ पर तीनों मार्क्स इनकी बता दिए गए हैं कि आपका जो सी बी टी में मार्क्स आपको प्राप्त हुआ था अठारह दशमलव छियासठ और आपकी जो नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स हैं वो थे अठारह के बाद बढ़ गए थे इनकी तो मतलब कि चार नंबर इनके बढ़ गए थे बाईस हो गए थे है ना और इसके साथ साथ आस पास रिकॉर्ड टी टी मार्क्स वाज ट्वेंटी तो दोस्तों यहाँ पर इनका टोटल फिर इन्होंने टोटल मार्क्स पूछा था तो आप यहाँ पर प्लस कर लेंगे जब ट्वेंटी टू और ट्वेंटी को प्लस करेंगे तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पे फोर्टी टू पॉइंट ट्वेंटी थ्री आ जाएगा ओके ए इनका टोटल मार्क्स रहा इनके इतने ही क्वेश्चंस थे बाकायदा हारे क्वेश्चन का जवाब आ गया है कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं नॉर्मलाइजेशन में कितने आपको मिले हैं सी में और कितने मिले हैं आपको टेट टेस्ट में और इन्होंने पूछा था कि सर टोटल मार्क्स कितने हैं तो टोटल मार्क्स भी इनके बता दिए हैं अब यदि रीजन पूछती तो रीजन का ये निकल के आता कि आपका जो मार्क्स है वो कट ऑफ से कम आया है इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो दोस्तों ये तो था क्या पुलक मंडल जी का आर टी आई का रिप्लाई जो कि मैंने बता दिया शायद इन भी नहीं देखा होगा कि आया है कि नहीं आया और दोस्तों शायद मैं लेट बता रहा हूँ बट यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं चौबीस तारीख को यहाँ पर रिप्लाई आ गया था मतलब दो दिन के अंदर ओके तो यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लगा ओके okay, फ्रेंड्स तो यही सब बताना था जो मैंने आपको बता दिया है वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करते जाएं और यदि आप भी चाहते हैं सर मेरे को भी आई लगाना है मेरे को भी जानना है मेरे मार्क्स सीबीटी के नॉर्मलाइजेशन के या फिर टोटल मार्क्स के टेस्ट के मार्क्स किस कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ कुछ भी यदि आप बिल्कुल लास्ट स्टेज पर जाके डिस्कालीफाइड हुए हो आपके कई डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आ गई थी कुछ भी जो भी आपको रीजन जानना है हर एक चीज का आपको यहाँ पर पता चल जाता है तो आप बाकायदा आर टी आई लगा सकते हैं वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में जाइए जाए पर लिंक होगी अपना जो भी इन्फॉर्मेशन है फिलअप कर दीजिए पेमेंट करने के बाद या फिर आप यहाँ पर कॉर्नर में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी उस वीडियो को आप देख लीजिएगा दोस्तों वीडियो देखने के बाद ही आर सबमिट करना ताकि आपको एक पता चल जाए कि कैसे क्या क्या प्रोसेस है डायरेक्टली शायद आप दिक्कत में पड़ जाओ ओके तो इसलिए आप वीडियो वगैरह देख लेना देन इसके बाद आप पेमेंट कर देना इन्फॉर्मेशन सबमिट कर देना आपका आरटीआई बाकायदा लगा दिया जाएगा और जल्द से जल्द हो सकता है दो पांच दिन के अंदर अंदर आपका रिप्लाई आ जाए ओके लेते हैं आपसे विदाई टेक केयर लव यू ऑल जय हिंद जय जे भारत